अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम योर ओन आयशा गोट फार्म। खस्सी बकरों को आप देख रहे हैं माशाल्लाह, अंडुल कलेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। अंडुल का भी बड़ा कलेक्शन, लेकिन हम कुछ कुछ बकरे आपको दिखाएंगे एक एक वीडियो में। सो आइए स्टार्ट करते हैं ये पांच बड़े अंडुल बकरों से। माशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। हमारे साथ में अहमद भाई भी है फॉर इंट्रोडक्शन, और देन आपको एक एक करके सारे बकरे दिखाएंगे हम लोग। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप दोनों, अहमद भाई शफीक भाई? शफीक भाई, ये अंडुल का जो है ना, शफीक भाई और हमारे शानू भाई है जी, वो आपको पूरा बताएंगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि इसकी क्या सब स्पेशलिटी क्या है वो मुझे आइडिया नहीं रहती है। तो शानू भाई को खास हमने बुलाया है। सही है भाई, आप ही बताओ क्या है, और शफीक भाई पूरा इसकी डिटेल है, दांत की, वजन की, वो सब डिटेल। चलिए आइए फिर शानू भाई से भी मिलते हैं और सब बकरे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत जी? अल्लाह का शुक्र है। ये तो अहमद भाई का बड़ापन है जो बोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी काफी नॉलेज है, हम तो इनसे ही सीखते हैं। सही है, फिर भी बहुत पीछे, क्योंकि मैं अक्सर इसके काम में इतना रहता नहीं हूँ, इतनी मालूम नहीं रहती माशाल्लाह। ये तो ये फील्ड में इनका मतलब बहुत फर्क पड़ता है। सही, तो आइए चलते हैं शफीक भाई और शानू भाई जी, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये बच्चे से चालू करते हैं। ठीक है शफीक भाई, आप बोलते रहिए डिटेल्स, तो शानू भाई थोड़े को ओवरव्यू देते रहिए आप। वाह, चाल देखो इसकी, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बच्चा है। आ हा, तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव बकरा है, देख सकते आप, रुकता नहीं एक जगह पे, सीधा अटैकिंग पोजीशन में आता है। शानू भाई मोटी गर्दन का बच्चा, बहुत एक्टिव है, बेहतरीन बच्चा है। झालर, गला पट्टी। शफीक भाई जब तक आप इसके डिटेल्स देते रहिए। छह दांत पे है जी, 82 kg के आसपास है, और ये आपको जो है ना 55,000 तक इंशाल्लाह देना है आपको। शफीक भाई बकरा नंबर क्या बताओ? बकरा नंबर 2 है ये। ये बकरा नंबर 2 है। अच्छा, टैग पे लास्ट में फाइल लिखा। अच्छा, सारे बकरों पे नंबर है, टैग नहीं है, नीचे बंगड़ी का नंबर। अच्छा, नीचे जो पैर पे है, पट्टे तोड़ देते हैं। ओके ओके ओके, इसलिए जो है ना बंगड़ी पिना दी है। ओके, ओरिजिनल नंबर इसका बंगड़ी। सही है, बैंगल्स पिना चुके, गुलाबी बकरा है माशाल्लाह। माशाल्लाह हैदराबादी में बच्चा, व्हाइट आईज में है, हाइट पैड बोलेंगे इसको। जबरदस्त, तो ये पहला बकरा था। ऐसे एक एक करके सब बकरे आपको दिखा हुए हैं। ये इंशाल्लाह वेट बहुत गेन करेंगे। सही है, आपके हिसाब से अंदाजा वजन क्या होगा इसका? ये 80 प्लस है बच्चा है माशाल्लाह। हाँ, क्या वजन है इंशाल्लाह? 82 के आसपास है। हां बस, 6 दांत पे 90 प्लस आराम से हो जाएगा। 90 इंशाल्लाह। थका हुए है बच्चे अभी, एक दो दिन हुआ। अच्छा, इसका रेट भी बता देंगे शफीक भाई? ये 55 तक निकाल लेंगे, 55,000। और इसमें पलाई इंक्लूसिव रहेगी शफीक भाई, कैसा रहेगा? नहीं, पलाई अलग रहेगी। पलाई अलग रहेगी, तो ये पर मंथ की 2,500 रुपये है ना, अंडुल की भी और खस्सी की भी। ठीक है, इस दौरान बकरे को कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आयशा गुड फार्म की, हमारे। लेकिन अगर वो बीमार हो गया, उसको फोड़ा निकल आया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ठीक है, दूसरा बकरा देख लेते हैं शानू भाई। ठीक, भागने दो दोस्तों। दूसरा बकरा देख रहे हैं, शानदार सोजत के ऐसे बड़े अंडुल में लास्ट ट्रिप में दिखे नहीं वहाँ पर भी। जी जी भाई, माशाल्लाह बहुत मोटे पैर का है। दांत कितने होंगे अंदाजा आप? कम नहीं है, ज्यादा दांत नहीं है। 6 दांत पे है, यंग बच्चा है। ये बकरा नंबर 11 है। हाँ, 11 नंबर है, बकरा नंबर 11 है ये जी, और 86 के आसपास वजन है, 6 दांत पे है, और ये तकरीबन ये भी 55 का कर चुका हूँ। बकरा देख ले आप शानू भाई, चाल वगैरह कैसी है इसकी? मेरे को लगता है ये साल अंडुल बकरे ओवरऑल सोजत के कम देखने मिले इंडिया में, इस टाइप के सिर्फ कोटा में है, बाकी ऐसे नहीं है ना। छोटे बच्चे बिक गए बहुत सारे शायद, माशाल्लाह जबरदस्त चीज। और ऐसा है ना आसिम भाई, मैं रेट भी इतना कुछ ज्यादा नहीं दे रहा हूँ जी, मार्केट के मुकाबले में मैं मुनासिब ही रखा हूँ।
क्योंकि ये ऑलमोस्ट आई थिंक 80 केजी तो बोल ही रहे हैं। 86 केजी है ये। इट्स एनफील्ड गो अराउंड 86 केजी, हालांकि वजन तो ऊपर नीचे ही एप्रोक्सीमेटली है। उमेश भाई चांसेस रहता है 100 केजी टच करने का? अभी दो महीना है, अभी तो थकान है, सफर का फीट तो बहुत अच्छी दे रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं। और उमेश भाई क्योंकि सफर भी किए अराउंड 24 घंटे का, तो इनका 4-5 किलो तो ऐसे भी टूटा होगा। 30 घंटे का। और गर्मी कितनी है, हमको लाएंगे ना आप ट्रक में, हमारा 5-6 किलो कम हो जाएगा। ये तो बकरे हैं, इतनी गर्मी है। सही बोले आप, सही है। चलिए इसको भी, इसकी हाइट अच्छी लग रही है मेरे को, थोड़ा जयपुर स्टाइल में पकड़ो बकरे को वैसे ही। अरे वाह शकील भाई, हमारे शकील भाई की याद आ गई बकरे को देखकर। बहुत बेहतरीन, लंबाई हाइट सब कुछ है, बहुत जबरदस्त बच्चा है, माशाल्लाह। नंबर क्या इसका बकरे का? 3 नंबर है बकरे का, बकरा नंबर 3। हाँ, 87 के आसपास वजन है, मतलब ये सारे बकरे 80 प्लस ही है माशाल्लाह। और 6 दांत पे है लगभग जी। और इसका 60,000 आस्किंग रेट है ना, माशाल्लाह। चलो मैं थोड़ा एक बार घुमाएंगे आप, प्लीज़ आपको तकलीफ दे रहा हूँ मैं। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम भी अच्छा बन गया बकरों को बाहर लाने के लिए। अभी एक बार और ही ऐसा, यस पैर भी देख सकते हैं आप, ये तो खुद रैंप वॉक कर रहे हैं। हाँ इसकी चाल अच्छी लगी मेरे को माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट बकरे ले लीजिए यहाँ से, अभी शानू भाई 3 नंबर का बकरा दोस्तों, 60,000 रुपये मांग है इसकी। वाह नायाब ये ना, ये पूरे बाड़ी में अलग दिखता है अहमद भाई। 14 नंबर बकरा है, 14 नंबर। इसका वजन 74 के आसपास है और 6 दांत पे है और इसका 60,000 आस्किंग रेट। क्या गुलाबी है यार भाई, मैं आगे से दिखाऊंगा अभी इसको, इसको इसको हाँ आ रहा है, इसको निला दे दो। और अरे बहुत बेहतरीन बच्चा है मेरे हिसाब से, एज अ ब्रीडर खरीद सकता आदमी। हाँ, हाँ, प्यारा बच्चा है। कान इसके उठाएंगे ऐसा आप, जैसा खाली पे उठाते हैदराबादी का। यस हाँ मज़ा आ गया, फुल गुलाबी देखें आप लोग, वाह सीना झालर रिंकल्स फुल गुलाबीपन माशाल्लाह। चलिए इसको भी हम ले जाते हैं इंशाल्लाह, कुर्बानी तक तो बहुत बेहतरीन हो जाएगी इंशाल्लाह। फुल गुलाबी बच्चा है, जान दो इसको भी दोस्तों। अभी तक के मेरे को लग रहा है कि साइज में ये बकरा वो बकरों से थोड़ा छोटा है, लेकिन गुलाबीपन और मुंडा खूबसूरती, चारों खुर इसके वाइट है। ठीक है इसका नंबर क्या भाई? ये 7 नंबर है, 7 नंबर, 7 नंबर। 74 केजी के आसपास है, 4 दांत भी हैं और 50,000 इसकी आस्किंग रेट है, 50,000 रुपये। ठीक है सो दोस्तों ये जो रेट्स भी बता दिए तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी और ओपन है आप लोगों के लिए। पसंद आते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए अगर आप मुंबई के बाहर से हैं तो। अगर आप मुंबई में तो इट्स रिकमेंडेड कि आप खुद आएँ फैमिली के साथ, आके बकरा यहीं चूज़ करके ले सकते हैं। ये बकरा अगर लेके जाना है तो लेके भी जा सकते हैं ना अहमद भाई, लेके भी जाना है तो लेके जा सकते हैं। हाँ लेके जा सकते हैं ना, कोई मसला नहीं है, है ना। अगर यहाँ रखना है तो 2,500 रुपया जी जी पलाई है इनकी बकरा तक के। अगर बकरे को कुछ होता है ऑन द फार्म, लाइक बकरा मरता है तो ही जिम्मेदारी, जख्म वखम कुछ बीमार वगैरह की कोई जिम्मेदारी नहीं, वो मैं पालूंगा, मतलब उसको पूरी ट्रीटमेंट करूंगा ईद तक। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बाकी डिटेल दे दूंगा। शानू भाई खास करके आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फुल गुलाबी बकरा है माशाल्लाह, 4 दांत पे अभी मज़ा आ गया, 4 दांत पे अच्छा वेट गेन, 70 केजी के ऊपर है। तो ये वीडियो में हम लोग यही बकरे देख रहे हैं अभी। फिलहाल 5 ही बताते हैं, वैसे टोटल अल्हम्दुलिल्लाह 20 बकरे का लॉट है अपना। ठीक है तो इंशाल्लाह तो अगले वीडियो में डिवाइड करेंगे और बता देंगे। ले लो बकरे साहब, ठीक है ले लो, उधर ले लो ना, या उधर ही पे लेते हो थोड़ा।